बहुत अच्छो छ कि मतलब मैं हमेशा वीडियो में बनी लगे रहो कि मैं तो बहुत गर्व छ कि मैं माला वे जमना चाहे उन घास भी काटो ले घास भी बेचो लो पर 12 तक हम ते पढ़ा चा। और आज उनके आशीर्वाद से प्यार से आज हम ये वे तक छा कि हम आप खूट बरा खुद खड़ा हूँ चियाना छा। आज मम्मी ने एक डिसाइड ले लिया है अभी हमारे गांव में धूप नहीं आई है। नीचे यहाँ पे है चोपड़ा और उधर धूप की हल्की हल्की किरणें नज़र आ रही है। आज वैसे लग रहा है कि आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और धुंध भी हो रखी है, तो इस वजह से धूप तेज नहीं दिखाई दे रही है। वो है बिसल्ड और वहाँ पापो गांव है और यहाँ पे चोपड़ा है हमारा पास वाला गाँव। और फ्रेंड्स आपको बता दें बहुत ज़्यादा ठंड हुई है, इसलिए मैंने शॉल वगैरह ओढ़ रखा है। और ये वाला है हमारा घर और इसमें रखी है हमने सोयाबीन की दाल और यहाँ पे गर्म पानी हो रहा है। आजकल तो चूल्हे छोड़ने का मन नहीं करता हमारे गांव में, कम से कम 12 बजे धूप आती है, 11-12 बजे। और यहाँ पे मम्मी सुबह सुबह गाय के गोबर निकाल के आ गई है और यहाँ पे धूप में सुखाने के लिए। अब जो ये खेती है इन पे धान की बुआई होगी, तो धान की बुआई के लिए चाहिए। और ये सुबह सुबह आपको पहाड़ों का दिनचर्या बता रही हूँ मैं। और ये है हमारा गांव, कुछ नीचे भी है और इधर साइड है हमारा घर। नीचे रह गई हमारी गौशाला, तो वहाँ से घर है, यहाँ पे हमारा घर है। यहाँ पे घूम के आना पड़ता है, इतनी दूर मेरी माँ को गोबर फेंकने आना पड़ता है क्योंकि हमारी जगह कम है, तो इस वजह से मम्मी यहीं पे सुखाती है, खेतों में ही गोबर ला जाती है। तो जहाँ जहाँ पे गोबर डालना होता है वहीं पे सुखा रही है। देखो अब चलती हूँ मैं भी घर, क्योंकि मम्मी ने कहा सुबह इतनी ठंड हो रही ना, अब लगा लो तुम कैसे, गोबर तो और ज़्यादा ठंडा होता रहता है जो बाहर का रहता है। तो मम्मी ने कहा तू एक पानी का बर्तन ले आ, तो मैं तब तक एक पानी का बर्तन ले आती हूँ। फ्रेंड्स हमें पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता है, हमारे घर के सामने नहीं है पानी, तो इसीलिए चढ़ाई का रास्ता है। और दूसरे वाले गांव में खूब धूप लगी है, पर यहां धूप का कोई नाम निशान नहीं है। 11 बजने वाले हैं, अभी तक धूप नहीं आई। अब माँ गाय को पानी देने लग गए हैं, सुबह सुबह गर्म पानी किया। और देखो अब गौशाला के अंदर जाते हैं और यहाँ है एक बकरी, ये है मेरी मम्मी लोगों की बकरी। हेलो हेलो, और इसका एक छोटा बच्चा भी है। अब मम्मी तो खूब गोरी है, अब पर चिनकी देखो काली काली है चिनकी। ये है उसका बच्चा। पापा भी आ चुके हैं और पापा जाएंगे इनके साथ जंगल।
अब पापा देखो उनको रोटी खिला रहे हैं। और यहाँ पे पापा छोटे वाले बच्चे को पकड़ के ले जा रहे हैं जंगल। और गौशाला के सामने हमारा नल पड़ता है और यहाँ से मैं पानी भी ले जाऊँगी। चलिए जी, अब कर लिया हमने सुबह का नाश्ता। नाश्ते में आजकल पहाड़ों में बन रहा है दाल भात, यानी कि लंच भी हो जाता है अभी, क्योंकि दिन भर अपने कामों में चले जाते हैं। पापा चले गए हैं गाय लोगों के साथ और अब मम्मी कहीं और भी जा रही है। सभी अपने अपने कामों में चले गए हैं और अब मैं इनको मांसती हूँ। ये काले वाले बर्तन हैं, काले वाले बर्तन हम यहीं पे मांसते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इतनी वहाँ जहाँ हम खाना बनाते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे बाथरूम में ही इसको साफ़ करना पड़ता है। तो अब मैं इन काले बर्तनों को जल्दी जल्दी से मांज लेती हूँ। चलिए जी, अब ये काले बर्तन भी चमाचम कर दिए हैं मैंने। और घर गांव में ये राख होती है जो चूल्हे की, उससे मांजा जाता है। विम बार का हम कम यूज़ करते हैं और साथ ही साथ जूने का इस्तेमाल हो रहा है घास से, है ना। तो इसकी सहायता से मैंने बर्तन मांज दिए हैं। और ये रहा हमारा बाथरूम और उधर रहा घर। तो यहाँ आने पड़ता है हमें मांजने के लिए। और सुंदर अच्छे से पालक भी हो रखी है मम्मी ने, कुछ प्याज लगा रखा है, कुछ पालक लगा रखा है। और हमारे यहाँ पानी बहुत दूर है, वहाँ नीचे जाना पड़ता है पानी के लिए, तो इस वजह से मम्मी ने कम कम ही लगा रखा है। यहाँ पानी की दिक्कत है। वैसे तो नीचे वाला खेत है जो हमारा, वहाँ अच्छी है, मतलब सब्जी हो रखी है वहाँ नीचे वाले उसमें, लेकिन यहाँ हम कम कम ही लगाते हैं। और सुबह मैंने ये टंकी भरी, आधी थी यहाँ तक थी, आधी मैंने भरी। दो तीन बर्तन लाए मैं सुबह सुबह, कसरत भी हो गई। और धूप की रोशनी दिखी ठीक 11 बजे, 11:30 हो गया है, 12 बजने वाली हैं और अब जाके हमारे गांव में धूप आ गई है। और आज क्योंकि धुंध लगी हुई है, धूप भी तेज तड़ाके की नहीं है। और अब हमारी तैयारी हो गई है थोड़ा घास के लिए जाने की। और मम्मी मुझे घुमा भी रही है, बड़े दिनों के बाद मैं मायके आई तो इस वजह से घूमते घामते चलेंगे और घास लेके भी आएंगे। यहाँ पीछे दिख रहा होगा आपको, पीछे रह गए हमारे घर, हमारा गांव, और यहाँ जा रहे हैं हम इधर साइड। तो ऊपर लोगों को ये धार दिख रही होगी, तो ऊपर से घूम के आएंगे ठीक यहाँ पे। और जहाँ पे हम आए हैं यहाँ पे एक शांत वातावरण है और धीमे धीमे करके ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, क्योंकि पूरे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे चीड़ का पेड़ है और चीड़ का खेती भी हो जाती है यहाँ और चीड़ के पेड़ भी हैं। तो अब तो सारे लोगों ने बंजर छोड़ दिए यहाँ। आप तो देखो यहाँ पे सारी जगह ये फूलने के फूल भी उगने वाले हैं। पहले ये पाली, यहाँ नीचे पाली गांव है, पाली गांव की खेती थी यहाँ। अब सारे बंजर हो चुके हैं, कोई कोई तो आ रखे हैं लकड़ी लेने के लिए। और मम्मी भी चली गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमारे गांव के ऊपर एक तो नीचे है सड़क, गांव के ऊपर एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये जो नीचे आती है ये आती है ताल से होते हुए। तो यहाँ मम्मी ये नई नई रोड की कटिंग हो रखी है, तो मम्मी कुछ पता करने जा रखी है, क्योंकि पीछे मम्मी जा रखी है क्योंकि मामी ने कहा था कि मामी गौशाला बनाने वाली है, तो पत्थरों की चढ़ाई होती है हमारे पहाड़ों में गौशाला में। तो इस वजह से मम्मी यहाँ देखने आ रही है। छपला बोला जाता है, छपला बोले तो जो एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मिट्टी से मिला देता है, पतले पतले होते हैं वो और अच्छे से, क्योंकि उस साइड जहाँ मेरे नानी का गांव है उस साइड नहीं रहते हैं। तो यहाँ मम्मी देख रही है कि है कि नहीं है, क्योंकि नई नई रोड की कटिंग हो रखी है। तो इस वजह से मम्मी ने सोचा कि मैं यहाँ देखती हूँ, होंगे तो सही है, नहीं होंगे तो बता देते हैं उन्हें कि नहीं है, वरना वो ट्रक लेके आएंगे और यहाँ से अपने यहाँ ले जाएंगे। देखो कैसा रास्ता है, और चीड़ के पेड़ के पत्तियाँ नीचे गिर रखे ना तो फिसलनदार हो जाती है। यहाँ पे मुझे छूतू भी मिल चुका है, ये चीड़ के पेड़ से होता है, इसके बीज रहते हैं, गर्मियों के टाइम पे खाने का मस्त मज़ा होता है इसके बीज को। और इससे खेलते जाते हैं और बहुत नीचे से हम ऊपर आ गए हैं।
आगे हम ऊपर कच्ची सड़क पे और यहाँ पे स्टेशन है, यहीं तक आ रखी है सड़क। हाँ ये चिन्ह, और देखो छपले इसको बोलते हैं, जो ये बारीक पत्थर रहते हैं पतले पतले टाइप के, इसको बोला जाता है छपले। और नीचे ये गांव दिखता है पाली, और यहाँ पे दो चार परिवार रहते हैं, ये अब बाहर चले गए हैं, सिर्फ एक ओनली एक परिवार है। और ये परिवार भी हमारे गांव सुंदरी गांव के ऊपर है और पाली गांव के ऊपर है, गांव भी नहीं है, दो परिवार हैं पाली में आते हैं। हमारी गढ़वाली भाषा में बोल जाता है जब चोटी पे चले जाते हैं तो बोलते हैं धारम, तो वैसे इस गांव का नाम हमने रख रखा है धारम। धारम हम बहुत इधर आ चुके हैं लेकिन हमें नहीं मिले, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे ही ये चीज़ें भी लुप्त होती जा रही है। दूसरे टाइप के पत्थर हैं चुनाई वाले, लेकिन वो जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं है ना, है ना माँ छह दिन कितनी दूर आ चुके हैं तो इधर, और अगर होंगे भी तो एक दो होंगे तो ट्रक लेके आना, तो एक दो में क्या होगा है ना, उससे अच्छा तो ईंट सही है ना ईंट। और माँ कह रही है कि मैं इस सड़क में पहली बार आई हूँ तो थोड़ा उधर चलते हैं घूमने के लिए। और देखो माँ ऐसे देख रही है मतिगांव, जैसे ये है ऊपर मतिगांव, जैसे माँ ने कभी नहीं देखा होगा। बी रोड में बैठ गए। ये दिन भी कभी कभी आते हैं ना, कौन से सदन आनो रहना ना घूमने को। और माँ के साथ बैठे बैठे माँ को कुछ सवाल पूछती हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहले सवाल पूछो माँ से ही कि माँ कहाँ लगते थे हम, अगर हम फिल्म फुलम बनाना चाहे अपने संस्कृति थे अपने गढ़वाल भाषा थे अगना दर्शाना था कहाँ लगते थे। बहुत अच्छा लगना चाहे, बहुत अच्छा लगना चाहे, तब आप तुम्हारा दिमाग चाहे। ओ वाह मुल तो इतना लिखा पढ़ा सके हैं बार बार बस ना बार पास अजय में टैलेंट होली कला होलो कुछ कह भी क्षेत्र भाग ना निकल सको ना अजंते पते जमे सिलाई सुलाई भी कर दू मैं सब फोनी बटी गिन सीखे फोन बटी सीखे सब कुछ अपना अपना दिमाग है ना अपना दिमाग से सीखे न कहल सिखाया न कहल बताया न है ना फिर भी है ना अच्छा अच्छा दिमाग का बावड़ा अलग अलग दिमाग से ना बड़ा तो कल लगते थे बहुत अच्छा लगे और बहुत लोग हूं बोल भी थे मां कि वीडियो बनाने चाहिए ना है ना खुशी वाच की नहीं वाच जा खुश हुई मी तगी के ना कि एक दूसरा मुखो बहुत बहुत मुखो सुन मिल है ना खुशी मिल छे ना तो जब बहुत लोग सुनता भी तो खुशी भी होन हां और अच्छा चा बहुत बड़े है उबर गरीब चा उन माफा रोंद तो अग्नि लिखो तो पढोंदा है ना क्या लिखो पढोन तो उबर तो रोंद भगवान कुछ गास काटे हाँ नाम तो भून होंगे गास का फूल गण नाम तक इत गाच अब बोले मो इन गास नहीं था उखी जान रात भर सिवा नींद भी नहीं जाए कि गास से कट लेना तो फूल गण सके ना बोल बारो मैं बारो मैं नार बार बस हमारा काम ही तो बहुत अच्छा था कि मतलब मैं हमेशा वीडियो में बुनी लगे रहा कि मैं तो बहुत गर्व था कि मैं माला बेजमना चाहे उन घास से भी काट लो घास से भी बेचो लो पर 12 तक हम तो पढ़ा चा और आज उनके आशीर्वाद से प्यार से आज हम ये वे तक छा कि हम अपने खूट बरा खुद खड़ा हूँ चियाना छा है ना और थोड़ा बहुत वे भी क्या और अगना आप प्यार सपोर्ट बने के रखें हमारे साथ ठीक जमा और माँ के आशीर्वाद छा हमेशा जब भी पहली बड़ी की मैं हमेशा अपने माँ से बहुत मन दूँ कि सबसे पहले पहले भगवान था हमको हमारे माँ चा जो हमते जन्म दिया। और शादी के बाद बड़े दिनों के बाद हम इधर टहलने के लिए आए हैं ना, और जैसे हमारा साइड है हमारा इलाका है लेकिन यहाँ कम आना जाना होता है क्योंकि गांव से बहुत दूर आ जाए माँ कम से कम कर दूर है बोला माँ और कम से कम 7-8 किलोमीटर के दायरे पे आ चुके हैं हम इधर तो हम बैठ रखे यहाँ पे मस्त मजे से। और ऐसा हो सकता है जहाँ हम हो टीनू ना हो टीनू ले, ले। मम्मी सब्बल लेके भी आई थी लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है और इतनी घास मिली हमें वो भी बकरी के लिए ले जा रहे हैं हम। देखो दोस्तों हम 9 किलोमीटर चले सिर्फ इतने घास के लिए, वाह वाह सो ब्यूटीफुल। और पापा अगले दिन आ गए थे, पापा ने इतने खटके पर इतने के लिए आना है कि ट्रक लेके है ना इसीलिए कैंसिल नहीं है। और पहले ये सारे जहाँ हम चल रहे हैं सारे ऑन थे, यानी कि ये सारी खेती चालू हो रखी थी लेकिन अब धीरे धीरे लोग पलायन कर रहे हैं तो इस वजह से, और अब हमारा गांव भी दिखने लग गया है। उस समय हम नीचे के रास्ते आए थे घूम घाम के इधर पाली के रास्ते, तो अब हम जा रहे हैं इस रास्ते है ना, तो ये नीचे वाला खेत हमारा है।
अब ये नीचे वाला खेत हमारा है, तो मम्मी कह रही है कि यहाँ से थोड़ा ये गाय के काम आता है क्या, ये सरसों तो बारीक बारीक होगा जो उसको गाय के लिए ले जाते हैं। हमारा गांव जंगल के सामने बसा हुआ है, इसलिए यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, धूप बाद में आती है। ऊपर सारा जंगल लग गया ये, और यहाँ से और इधर बिडोरी साइड पूरा दिखता है। फ्रेंड्स, जो ये झाड़ियों के अंदर जो घास गाय लोग खाते हैं, मैं उसको निकाल देती हूँ। जो जो खाते होंगे तो मैं उसी को काट देती हूँ। और आजकल हरी घास कहीं नहीं मिलती है, इसलिए गाय लोग इसको खा लेते हैं। और मैं छोटे छोटे करके, तभी जब हम उसको अच्छे से घास देंगे तभी वो दूध देगी। देखो अभी से सुअर आने लग गया है, और अभी से खेती में तहस नहस शुरू। अभी तो जो फूल लग रखे हैं इस पे, है ना। अब गाय अलग, गाय लोगों ने भी खा लिया पूरा खेत। देखो उधर से आप निकाल लिया हमने थोड़ा सा घास, थोड़ा मम्मी के पास है, तो आप चलते हैं घर की ओर। और घर में दूसरा काम करते हैं, मम्मी कह रही है देर हो गई है, इसीलिए जल्दी जल्दी निकल जाते हैं घर को। और यहाँ से मस्त व्यू नज़र आता है, नीचे पावा बाजार भी दिख रहा है, और इधर साइड हमारा गांव। और देखो सुअरों ने इतना नुकसान कर दिया है यहाँ, देखो। चलो और देखो ये खेती कैसे हो रखी है। इस बार बारिश नहीं हो रही ना, इस वजह से सारी फसल खराब हो गई। देखो थोड़ा सा आगे आने पर फिर चूहों का आतंक। देखो ये सारे गेहूँ काट के कहाँ ले जा रखे हैं ना। और आजकल पहाड़ों में रहना मुश्किल हो गया है, सारी खेती इस वजह से पलायन हो रहा है। कुछ सूअर, बंदर, गाय, और ये पूरा खेत ना चूहों ने काट दिया है, पूरा पीला पड़ गया वो तो पूरा पीला पड़ चुका है। इन जब ये सूअर इतनी जल्दी आ रहे हैं, खेती में नुकसान कर रहे हैं, तो माँ भी डिसीजन ले रही है। जो ये नीचे वाली खेती थी ये चालू थी, इस बार ये भी बंजर छोड़ दी उन्होंने। उन्होंने दो बार ट्राई किया है, पहले बंजर थी फिर चालू किया फिर बंजर थी, इस बार फिर बंजर हो गई। मम्मी ने ये डिसाइड लिया है कि मैं भी इस बार ये ऊपर जहाँ हम गए थे वो वाली खेती भी बंजर छोड़ देंगे। मम्मी आज मम्मी ने एक डिसाइड ले लिया है। माँ इन गणित तो सब पूरा बांध पोड़ जाने ना, है ना। आप मूस अलग लगे, बरखा अलग नहीं होनी चाह, बंदर अलग, सुंगुर अलग।